गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मिसेस रेखा। टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर फोर क्लास थर्ड लेसन 20 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। पहले हम सिनोनिम्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पहले हम इनकी डेफिनेशन को देखते हैं। द वर्ड्स डेट हैव सेम मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं। मतलब हमारे पास दो वर्ड्स हैं, वर्ड्स का जब हम सिनोनिम्स राइट करते हैं तब वो रूप में अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका अर्थ लगभग समान होता है। इसके लिए वर्ड्स एक साइड हमें वर्ड्स राइट किए हुए हैं और दूसरी साइड इनके सिनोनिम्स राइट किए हुए हैं। अभी हम इनको आपको बताएंगे कि कैसे ये रूप में अलग है, लेकिन अर्थ में ये एक दूसरे के बिल्कुल पर्यायवाची समानार्थी या समान है। देखिए, पहला है बॉय, बॉय का लेड, सिनोनिम्स इसका लेड है। बॉय का अर्थ भी लड़का होता है और लेड का अर्थ भी लड़का होता है। सेकंड में देखिए करेक्ट और राइट, दोनों का अर्थ ठीक होता है। थर्ड पे देखिए डियर और लवली, दोनों का अर्थ प्यारा होता है। नंबर फोर पे इंक्वायर और आस, दोनों का अर्थ पूछना होता है। फाइव पे देखिए होम और हाउस, दोनों का अर्थ घर होता है। होल्ड कैच, इनका अर्थ होता है पकड़ना। हार्ड और डिफिकल्ट यानी कि कठिन। एक्शन और डिड, जो किया जाए यानी कार्य, और डिड का अर्थ भी जो किया जाए अर्थात कार्य। पावर ताकत, फोर्स ताकत। प्रेजेंट गिफ्ट, प्रेजेंट उपहार और गिफ्ट भी उपहार। मिस्टेक गलती और फॉल्ट भी गलती। पावरफुल शक्तिशाली, स्ट्रोंग शक्तिशाली। वार युद्ध और बैटल युद्ध। मर्डर यानी कि किसी की हत्या करना, किल किसी को मारना यानी हत्या करना। सीन यानी जो गैर कानूनी जो कार्य करते हैं उसको हम सीन कहते हैं, और क्राइम, क्राइम को भी गैर कानूनी काम को हम क्राइम कहते हैं। इस प्रकार हमने वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स को पढ़ा और देखा कि ये रूप में अलग है लेकिन इनके अर्थ लगभग समान है। इस प्रकार सिनोनिम्स में वर्ड्स जो हम राइट करते हैं उनके अर्थ लगभग समान होते हैं। इनको आपको लर्न करना है और होमवर्क में राइट करना है। बेटा, अब हम एंटोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में विपरीतार्थक शब्द या उल्टे शब्दों के रूप में पढ़ते हैं। इसके लिए हम इनकी डेफिनेशन को देखते हैं। द वर्ड्स डेट आर अपोजिट इन मीनिंग्स आर कॉल्ड एंटोनिम्स। जो शब्द अर्थ में यानी विपरीत शब्द हमें देते हैं उन्हें हम एंटोनिम्स कहते हैं। इसके लिए देखिए, एक साइड हमने वर्ड्स राइट किए हुए हैं, दूसरे साइड इन वर्ड्स के एंटोनिम्स राइट किए हुए हैं। ये एंटोनिम्स एक दूसरे से विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं। इसके लिए हम वर्ड्स को देखते हैं। ये देखिए, फर्स्ट है ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। हैप्पी खुश, और सैड का मीन्स होता है दुखी। अवेक जागना, एस्लिप सोना। इंजॉय मजा करना, सफर कष्ट सहन करना। फैट मोटा, स्लिम पतला। ड्राई सूखा, वेट गीला। सेल बेचना, बाय खरीदना। ट्रू सत्य, फॉल्स असत्य। फास्ट तेज, स्लो धीरे। डे दिन, नाइट रात। एंड समाप्त, बिगिन शुरू करना। लाइफ जीवन, और डेथ मृत्यु। इस प्रकार बेटा हमने वर्ड्स और उनके एंटोनिम्स को पढ़ा, और आपने देखा इन सभी के विपरीत अर्थ हमने पढ़े हैं। तो इस प्रकार जो वर्ड्स उनके विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें हम एंटोनिम्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार आज आपको इन वर्ड्स को, उनके एंटोनिम्स को, वर्ड्स से इनके एंटोनिम्स को आपको लर्न करना है, और नोटबुक में आपको होमवर्क में इनको राइट करना है। ये आज आपका होमवर्क है। थैंक यू।